जय कृष्ण कैसे आप पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन ना स्वयं व्यासेन ना ग्रथितां पुराणं निना मध्यमहाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अंबत्मु भगवत भगव गीते तेनी गीता माता के चरणों में आश्रय लेते हुए आज सातवें अध्याय के सातवें श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं उनका स्पर्श करने वाले हैं उनका आस्वादन लेने वाले हैं और ये जो श्लोक है सातवें अध्याय का सातवां श्लोक ये सदा याद रखने लायक श्लोक इसलिए भी है क्योंकि इसमें भगवान ने जो बात बताई है वो आश्वस्त करने के साथ साथ हमारी कई संशयों की ग्रंथियों को खोल देने वाली है इस ध्यान श्लोक के साथ में ये प्रार्थना की हम इस श्लोक पर विशेष रूप से जो कि सातवें अध्याय का सातवां श्लोक है ऐसा ध्यान कि की हमारा अपना हो जाए और सातवें श्लोक की तरफ चलते चलते पहले जो इससे पूर्व का श्लोक रहा था जिसमें छठे श्लोक में ये संदर्भ आया था कि अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रभवः प्रलयस्तथा तो इसमें कहा कि यह संपूर्ण जो भूत है इनमें दोनों प्रकृतियां अपरा और परा प्रकृति की बात हुई थी उसमें इन सबका जो प्रभाव है और जो प्रलय है वो मैं ही हूं तो मूल कारण मैं ही हूं श्री कृष्ण भगवान ने ये जो बात कही थी उसी का विस्तार वैसे तो सातवें श्लोक में भी आ रहा है क्या श्लोक है सातवा मत परम नान्य किंचन धनंजय मयि सर्व मिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव एक बार और सुन लीजिए ना मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगण आईवा इसका शाब्दिक अर्थ जो है उसको लेकर फिर एक एक शब्द से थोड़ा थोड़ा इसका रस प्राप्त करने का और प्रयत्न करेंगे तो संबोधन किया है अर्जुन जी को धनंजय के नाम से यहाँ पे कहा कि मत मुझसे अन्यत भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है ये संपूर्ण जगत तो बात वहां तक ही नहीं रुकी है कि मेरे अलावा कोई कारण परम नहीं है आगे भी जा रही है ये जो संपूर्ण जगत है वो मुझ में ऐसे गुथा हुआ है जैसे कि ऐसी माला सूत्र मणि गणा हुआ जिसका जो सूत्र है उसी का मणिया बना हुआ है फिर सूत्र है फिर उसी का मणिया बना हुआ है इस प्रकार से ये सारा संसार मुझसे बना हुआ है तो इसमें क्या क्या बातें आती हैं बहुत सारी बातें आ रही हैं इसमें यह है कि आप जहां भी देख रहे हैं ये जो हम कहते हैं कि वे सर्वत्र ईश्वर दर्शन करना तो उन्होंने प्रामाणिक रूप से श्रीमद भगवद गीता में सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में ये कहा है कि मैं ही हूं हर ओर सब तरफ जड़ चेतन में एक समान तो हम जिस तरह की कंडीशन माइंड के लोग हैं आपके पास दीवार है खिड़की है पंची उड़ रहा है आप खुद हैं आप मानते रहे हैं कि ये ईश्वर हम वस्तु जैसी दिखती है वैसा ही मानते हैं उसका जो सूक्ष्म स्तर पर एक क्रत जो सार रस है वहां तक पहुंचने की चेष्टा भी नहीं करते हैं, पात्रता भी हमारी नहीं होती आंतरिक अशुद्धि के कारण भी तो श्रीमद गीता जो है वो अशुद्धि से शुद्धि तक की यात्रा है योग के द्वारा मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्थित धनंजया तो देखिए इतनी गूढ़ भाषा है इतनी लालित्यपूर्ण भाषा है मत्त परतरम मेरे सिवा कुछ भी नहीं है किंचित अस्थि मतलब तो कुछ भी नहीं है <laughs> यानी ऐसा नहीं है कि यहां तक ईश्वर है वहां से कुछ और किसी का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है इस बात के ऊपर इतना अधिक ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अब हम अगर सामाजिक और जिस स्तर पर हम धर्म को देखते हैं और हम ये जो सनातन परंपरा है या जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं इसकी तुलना अन्य कुछ परंपरा के साथ करते हैं तो वहां पर विभाजन उनके ग्रंथों में दिया हुआ होता है कि इसको मानने वाला मेरा है वो नहीं मानता है तो मेरा नहीं है हमारे यहां ऐसा नहीं है मानता है कि नहीं मानता उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं इसलिए भी <laughs> कई बार दूसरे हमें पराया मान रहे हो तो भी हम उनको पराया नहीं मानते हैं क्योंकि मूल में एक है ये भाव विविध स्वरूपों में अनंत तक पहुंचने के जो अनंत पथ हो सकते हैं आश्वस्ति सनातन परंपरा जिस तरह हमारे लिए उड़ेलती है उसके बाद विश्व शांति या सबके साथ समन्वय करना सबके साथ सम्मान करना ये तो सहज है उसके फल हैं उसके फूल हैं सनातन वृक्ष के इसलिए भी ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने भीतर उस आत्म गौरव को प्रतिष्ठित कर रहे अहंकार को नहीं आत्म गौरव को जिसको लेकर ये सनातन परंपरा और गीता माता जिस प्रकार की आशीष हमारे लिए उड़ेल रही हैं, उसका एक घनीभूत जो भाव इस श्लोक में है उसको फिर से देखते हैं मत् परतरम नान्य किंच मई प्रोतम सूत्रे मणिकणाई वह कई बार वो उदाहरण आता है कुमार है वो घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी लेके बनाता है तो बनाया तो कुमार ने है और मिट्टी जो है उसने अपने आप अपने को घड़ा नहीं बना दिया कुमार ने बनाया तो वहां पे अलग अलग कारण जो है वहां पे और जो पदार्थ लिया गया अलग है लेकिन ये संसार का जो सृष्टा है उसने कुछ बाहर से नहीं लिया उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं ना खुद ही है स्वयं है ये सृष्टि जो है वो भगवान मै है ऐसा प्रमाण लेते हुए दूसरे श्लोक का स्पर्श आज संक्षेप में कर लेंगे क्योंकि आने वाला जो आठवां श्लोक है और नवा श्लोक है उनके बीच में थोड़ी मित्रता है तो कल इस श्लोक पर फिर से जाएंगे रसो हम आपसू कौनते प्रभास्मी शशि सूर्यो प्रणव सर्वेदेशु शब्द खे पौरुषु वाह रस की बात है ना हे अर्जुन मैं जल में रस हूं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं तो जो सार है तो वैसे तो उनके अलावा कुछ है नहीं लेकिन बाद में और अपनी विभूति को जहां जहां वो अधिक मुखरित हैं सहज रूप से जहां उनको देखा जा सकता है इस प्रकार का कुछ तत्व यहां लगता है अर्जुन को प्रकट करते हुए जल जो है ना जीवन है और जल इतना महत्वपूर्ण क्यों है उसमें रस है इसी प्रकार से जो एक प्रभा है सूर्य भगवान की चंद्रमा की ये प्रभा कौन है कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं और इसी प्रकार से जो संपूर्ण वेदों में वेदों का सार रूप में जो ओंकार है ओम इसका उल्लेख और भी आएगा आगे ओम ऐसे कहते हैं जो आदि शब्द है पहले कुछ नहीं था तो ओम के नाद से सृष्टि प्रकट हुई वो ओम है श्री कृष्ण और साथ में बताया कि आकाश में शब्द है और पुरुषों में पुरुषत्व है तो यहाँ हम पुरुषों में पुरुषत्व का अर्थ ये लें कि जो पुरुष होने का गौरव है उसका सार है उसकी जो शक्ति है और उसकी जो मर्यादा है इत्यादि सारी बातें आज जब समापन कर रहे हैं तो मैं दादा जो संबोधन रहा है स्वाध्याय परिवार के प्रमुख मुखिया पांडुरंग शास्त्री अठावली जी का भी स्मरण कर रहा हूं उन्होंने जो गीताम्रतम के द्वारा उनके गीता पर प्रवचन प्रकाशित है उसमें कहा है कि ये सारी सृष्टि में व्यवस्था दिख रही है ना व्यवस्था नहीं होती तो क्या है ये जो पृथ्वी है जो कि चौबीस घंटों में पच्चीस हजार मील प्रति घंटा तो है दस हजार चालीस मील और चौबीस घंटे में घूमती है पच्चीस हजार मील तो अगर ये अपनी गति को बदल देगी तो जीवन रहेगा नहीं पृथ्वी पर वनस्पतियां उगेंगी नहीं और सूर्य भगवान का जो तापमान है वो जितना है उससे थोड़ा कम हो जाएगा तो गड़बड़ है अधिक हो जाएगा तो गड़बड़ है गड़बड़ का मतलब है कि जो सृष्टि पृथ्वी पर जिस तरह हम जी रहे हैं वो सिस्टम खत्म हो जाएगा तो विज्ञान का ये भी कहना है कि चंद्रमा पृथ्वी से दो लाख चालीस हजार मील दूर है और अगर इससे पास होता तो क्या होता समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती और इतनी उछलती कि पृथ्वी उसमें डूब जाती तो एक व्यवस्था है ये जो सारी व्यवस्था है जिसको लेकर जीवन है और सब कुछ संचालित हो रहा है इसके विस्तार में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर कितना व्यवस्थित है इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो तो जो बात उन्होंने तर्क रूप से प्रस्तुत की पुस्तक में व्यवस्था तो है तो कोई ना कोई व्यवस्थापक होना चाहिए ना व्यवस्थापक कौन है वो हमने सातवें श्लोक में आपको बता दिया है पर फिर इस बात को जारी रखेंगे <laughs> आनंद की यह या यात्रा है इसलिए पूर्णता की तरफ बढ़ते बढ़ते भी पूर्णता का स्वाद हमारे लिए भगवत कृपा से खिलता है खुलता है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णात् पूर्ण पूर्णश् पूर्णमादाय पूर्ण वशिष्यते ओम शांति 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 सबका मंगल सबका कल्याण जय श्री कृष्ण